रात रेस्यू किया था उसको रिलीज करने जंगल में जा रहे हैं। सर्दी बहुत है और सर्दी में भी सांप बराबर निकल रहे हैं, खतरा तो बहुत होता है, परंतु एक जिम्मेदारी ने बचाने की पकड़ने एक अपने जीवन का भी खतरा रहता है, क्योंकि सारे सांप झेलने लेते और सारे सांप बिना झेल के रहते, एक दहशत डर बराबर मन में बना रहता है। आप भी कोई हमारी नकल ना करें, ना ही कोई ऐसा काम करें जिससे आपको खतरा हो। ये रात को करीब 7 बजे करीब जब कोहरा छा रखा था, तब हम इस अजगर को पानी के हौदे से लेके आए थे। अब इसको इसके पगड़े छोड़ रहे हैं और गुस्से में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुँह वहाँ दिखा रहा है और कैमरा मैन से कहूँगा इसका यहाँ से मुँह दिखाए। मैं इसको एक जो सर्दी में हम जहाँ पर सांप छोड़ते हैं वहाँ पर छोड़ूंगा, ठंड से भोजन लगी हुई है। इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगी हुई है, अब मैं इसको ऐसी जगह छोड़ूंगा कि जहाँ पर ये अच्छा रहे। जैसे हमें सर्दी लगती है ऐसे सांपों को भी सर्दी लगती है। अब मैं देखिए एक बिल है जहाँ पर हम सांपों को छोड़ते हैं, वो इनका जो घर है ये आ चुका है, क्योंकि सर्दी से बचे रहेंगे। एक कोशिश जीव जंतुओं को बचाने की मेरे द्वारा, क्योंकि ये देखिए या तो अंदर कोई सांप हो सकता है या ये ज़्यादा मोटा है जा नहीं पा रहा। जा तो रहा है, काफ़ी बड़ी दीमक की बमी है और धूप भी यहाँ पर काफ़ी रहती है। कई बार सांप हमने यहाँ छोड़े तो वो यहीं पर बैठे रहते हैं। चला गया सुरक्षित। सांपों से बिल्कुल भी आप छेड़छाड़ ना करें, खतरा हो सकता है। कल जब लोग रजाइयों में बैठे हुए थे तब हमें मौका मिला सांप पकड़ने जाने का, एक सर्दी पानी की जगह पर एक गिरा हुआ था, यदि हम इसको ना पकड़ते तो रात को ये मर सकता था। और रात को हम इसको लेके आ गए थे, थोड़ा धूप और दिन हुआ तो हमारे द्वार इसको छोड़ दिया गया। सांप की सूचना आप 108 को दें, वन विभाग को दें या हमें दें। धन्यवाद। सांप को हमने उसके प्राकृतिक वाला छोड़ दिया। देखिए कितना खतरा होता है, समय भी लगता है, जान का भी जोखिम और समाज की भी बुराई और सांप के काटने का भी खतरा, परंतु एक जिम्मेदारी जिनको लोग मारने के लिए दौड़ते हैं उन्हें बचाने के लिए घूमते हैं, कोशिश जारी रहती है। स्वास्थ्य खराब चल रहा है काफ़ी दिनों से, परंतु जब सांप की सूचना मिलती है हम सोचते हैं हमारे अलावा कोई नहीं होगा उनको बचाने के लिए, और हम निकल पड़ते हैं अपने सांप को पकड़ने और छोड़ने में। आप लोगों से निवेदन है कि कोशिश
हमारी भी जायज़ रहती है और आप लोग भी थोड़ी मदद करें। सांपों को ना तो मारने दें ना ही किसी को मारने के लिए उकसाएं, खतरा हो सकता है।